हेलो जी, नमस्कार। मैं शेफ परपार। भाई मज़ा आ रहा है मुझे खाना बनाने में, और साथ ही मेरे जो ब्यूटीफुल से टी शर्ट है उनकी कहानी बड़ी मज़ेदार है। राइट भाई, देखिए खाना और ज़िंदगी ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब जीते किसके लिए? खाने के लिए। खाने के लिए जीते हैं, जीते हैं खाने के लिए। बस सिंपल कहानी है, और मैं जीता हूँ कि आपके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना के दिखाऊँ। राइट, तो बना रहे लहसुनी पनीर। सबसे पहले 250 ग्राम पनीर ले लेते हैं। इसके लिए मलाई पनीर मत लीजिएगा, रेगुलर फ्रोजन पनीर जो मार्केट में मिलता है वो लीजिए। और ये क्यूब्स में काट लेंगे। इस तरह से क्यूब्स में काट लें, और साथ ही साथ मैं बहुत सारा लहसुन लूँ। दो तरीके हैं, या तो आप चॉप कर लें या फिर क्रश कर लें। Choice is all yours. तो मैं देखिए कितना सारा, लगभग 1/4 कप, ये कम से कम नहीं तो 100 ग्राम लहसुन होगा। ठीक है जी, पील करेंगे तो इतना मिलेगा। तो इसको हम चॉप कर लेते हैं। बढ़िया चॉप कर लिया, थोड़ा सा बोल ले लेते हैं। इसमें बैटर बना लेते हैं मैदा और कॉर्न स्टार्च का। मैदा 3 चम्मच, कॉर्न स्टार्च 2 चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर 1/4 छोटा चम्मच, नमक डाल लेते हैं थोड़ा सा, ये खाने का सोडा डाल दिया चुटकी भर। ठीक है, और पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। बैटर तैयार। बैटर भी रेस्ट करने रख दिया था हमने। ठीक है जी, यहाँ पे ड्रॉप टेस्ट ये लीजिए, फट से ऊपर आया। लेट मी चेक, थोड़ा सा मैं मैदा डाल लेता हूँ। और क्यों डाल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा परफोरेटेड हो रहा है, मतलब होल्स आ रहे हैं टॉप कवर पे, इसलिए ये एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम तैयार पनीर लेंगे, डुबाएंगे और पनीर को छोड़ देंगे। बहुत लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि शेफ कभी कभार बैटर बच जाता है तो क्या करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, इस तरह से छोड़ते जाइए। व्हाई आई टेल यू, ये जो साइड वाली चीजें होती है ना, खाने में बड़ी मजेदार होती है। इस तरह से बूंदी की तरह पड़ते जा रही है, ये डालते जाइए। डोंट लीव इट जस्ट लाइक दैट, ओके, कि आपने इसमें डाल दिया डिश वॉशिंग में। नो, स्पेशली एट होम, होटल्स कैन अफोर्ड, जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द रेसिपी इट्स इंक्लूडेड इन दैट, इट्स फन इन द हाउस, डू इट। डबल फ्राइंग टेक्निक्स, ओके, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। हाफ फ्राई हो गया, बिल्कुल बढ़िया। इसको निकाल लेंगे। तो बैटर हमने डाला था, देखिए वो भी क्या मस्त लग रहा है, आई लव इट। है फ्राइंग इट वन मोर टाइम। तेल वापस गर्म हो गया, अब ये पनीर फ्राई कर लेते हैं पूरा का पूरा, फुल फ्राई। ओके, वाह सुपर। तो चलिए जी, पनीर एकदम बढ़िया क्रिस्प फ्राई हो गया है, और जो स्पेयर पार्ट्स थे वो भी बढ़िया क्रिस्प फ्राई हो गए। इनको निकाल लेते हैं लाइव, ये कढ़ाई में ही 2 बड़े चम्मच तेल के ले लेते हैं। अब जितना लहसुन हमने चॉप किया था, कुछ मोटा है कुछ बारीक हो गया, ये सारा आप डाल लेंगे। लुक एट द काइंड ऑफ गार्लिक, इतना लहसुन लिया है, लहसुनी पनीर बना रहे हैं हम, वो भी स्नैक्स के रूप में, तो इतना तो बनता है। चलिए जी, लहसुन ब्राउन या फटाफट टॉस करना है मुझे। ग्रीन चिलीज, ब्लैक पेपर 1 छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स, यहाँ पे कुछ मेरे पास मसाले हैं, ये 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस,
एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, ये सारी चीजें ले ली। और ये रहा पनीर, इसको करेंगे अच्छे से टॉस। अब ये हो गया बढ़िया तरीके से मिक्स। चलिए प्लेटर ले लिया हमने और ये हमारा बढ़िया पनीर तैयार। वाह, ये थोड़ा चाट मसाला इसके ऊपर डाला, वाह ये तो बढ़िया राइम हो गया। चाट मसाला इस पे डाला, थोड़ा करारा करने के लिए लाल मिर्च पाउडर ये भी डाल लिया, चिली फ्लेक्स ये लीजिए, ये रहा हरा धनिया। एकदम बढ़िया स्नैक्स आपके लिए तैयार है भाई। बहुत सारे तारीफों के फूल आपके नाम पे बन जाएंगे, जितने मेहमान आएंगे सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, आपको किचन में थोड़ा सा समय रहना पड़ेगा। दैट्स रूड। नेवर माइंड, यू आर डूड, आई एम डूड, राइट जी।